जिसके खून में देशभक्ति उसकी शान तिरंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देविका रोटावन की, जिसने कसाब को फांसी दिलाई। देश की बहादुर बेटी देविका रविवार को सिविल लाइन स्थित मुक्ताकाशी में तिरंगा वंदन मंच के कार्यक्रम मेरी शान तिरंगा में शामिल होंगी। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। आप भी जाने क्या कहना है देविका रोटावन का। तिरंगा वंदन मंच द्वारा तिरंगे के सम्मान के लिए रायपुर शहर में कार्य किया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान एक शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग तिरंगे के बैच लोगों को निःशुल्क बांटते हैं। इसी तिरंगा वंदन मंच द्वारा रविवार 6 मई को मुक्ताकाशी मंच सिविल लाइन में एक वृहद आयोजन मेरी शान तिरंगा है का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन तिरंगा लगाने वालों का सम्मान करेंगे। और इस सम्मान में न केवल रायपुर बल्कि बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर और नागपुर के लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं जो प्रतिदिन तिरंगा लगाते हैं। इस प्रोग्राम का खास आकर्षण यह है कि एक ऐसी बच्ची जिसने लोगों की धमकी की परवाह नहीं की और जिसने आतंकी कसाब को 26/11 के हमले में प्रत्यक्ष देखा था, उसकी गोली की शिकार हुई थी, 4 साल बैसाखियों में भी रही, उस बच्ची ने अपनी गवाही से उस आतंकी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। यह हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि बच्ची हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में 6 मई को उस प्रोग्राम में आ रही है। आप सबको एक निमंत्रण है, उस बच्ची के सम्मान में, स्वागत में इस कार्यक्रम में जरूर पधारें, जिसमें हम कुछ पूर्व सैनिकों का सम्मान भी करेंगे और देशभक्ति की सांस्कृतिक संध्या भी आप सभी का वहां पर स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। आप सबको आमंत्रण है तिरंगा वंदन मंच की तरफ से रविवार 6 मई को मुक्ताकाशी मंच में, और सुश्री देविका रोटावन की स्पीच सुनने के लिए जो कसाब को फांसी दिलाने में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।